बदिया को मुबारकबाद हुआ, बहुत ज़बरदस्त कदम उठाया है, खुशाइन इकदाम है। और आप देखिए, ज़्यादातर मैं बार बार यही बात कर रहा हूँ कि ज़्यादातर हमारे जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं, खासकर बच्चे, उनकी दाढ़ी में सफेदी चांदी अभी तक आई नहीं, तो ये अच्छी बात है कि नौजवान आए, वो टेलीफोनों से हट के कम अज़ कम कुछ ना कुछ पढ़े। और जब वो देखेंगे हमारे इलाके की लोग कुरान की तफसीर भी लिखी हुई है, फ़कीराबाद के हमारे एक वफात पा चुके मरहूम हैं, उन्होंने कुरान की तफसीर लिखी, शायरी की आप देखें कितनी किताबें हैं, अटक की तारीख के ऊपर एक अंग्रेज़ी में किताब है, किताबचा है, फिर हमारे बेटा शहीद है असद यार, उसके ऊपर अंग्रेज़ी में नज़में हैं, शायरी बेशुमार है। और ये हवाले से मैं बात करूँ, वो एक बड़ी बात ये है कि ये पहला कदम है, छोटा है, बड़ा है, पहला है, मुस्बत है, और इसको हमने बढ़ाना है। जो आप बात कर रहे हैं, हम लोग हर तहसील की कमेटी करें ताकि हर तहसील के अंदर ये चीज़ उठे, उसके बाद ज़िला काउंसिल करे, किताब मेला हो बड़ा, वो एक दिन का करते हैं, तीन दिन का करते हैं, कम से कम ऐसा हो कि जो एक हजूम वहाँ पे जाए, लोगों को पहले तो अवेयरनेस दी जाए और उनको फिर इसकी तरफ रागिब किया जाए कि आओ देखो। और फिर एक जो फ़ख्र होता है, जैसे आज मैंने देख रहा हूँ कि अटक के इतने शायर मौजूद हैं, इतनी खूबसूरत खूबसूरत किताबें लिखने वाले मौजूद हैं, फिर अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में उनकी किताबें पढ़ाई जा रही हैं, तो ये बातें मुझे एज मिनिस्टर मुझे इल्म नहीं था, तो मुझे ख़ुद तजस्सुस मेरा बढ़ गया। तो अभी जो बल्दिया ने आज कदम उठाए, हम इसको इंशाल्लाह ताला इससे बड़ा और इससे और मुस्बत करने की कोशिश करेंगे। इनने हमें कम से कम बल्दिया ने आज एक अच्छा रास्ता दिखा दिया। आखिर में कहूँगा कि जब तक किताबें पढ़ेंगे नहीं ना, उनको ना मज़हब की हकीकत का पता लगेगा, ना दुनिया की हकीकत का पता लगेगा। इंटरनेट बहुत कुछ बताता है, लेकिन इंटरनेट सब कुछ नहीं है। किताबें पढ़ने से लिखने का शौक़ पैदा होता है, लिखने से फिर ख़ुद किताबें लिखने का शौक़ पैदा होगा। देखिए, जब तक हम लोग किताबें नहीं पढ़ेंगे, इल्म हासिल नहीं करेंगे, हमें हर तबके के जो लोग सामने खड़े होते हैं ना, बड़े बनते हैं, वो हमें बेवकूफ़ी कौम को बनाते रहेंगे, मुझे आपके ख़िलाफ़ लगाते रहेंगे, आपको मेरे ख़िलाफ़ लगाते रहेंगे, झूठी बातें करते रहेंगे, हर झूठ का तोड़ ये अच्छी किताबें पढ़ने से और अपने जहन को खोल के रखने से कि माँ के कोख से लेकर लहर तक, कब्र तक आप इल्म हासिल करें। जो ये समझता है कि मैंने इल्म हासिल कर लिया तो उस दिन वो मर गए। आप मौत से बचने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि किताबें पढ़ें, किताबें लिखें, ताकि आपका नाम हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रहे। ये करते हैं कि ये शायरी के एक तो यहाँ पे प्रोग्राम्स रखेंगे और अदीबों को यहाँ पे मदु करेंगे, और ताकि लोगों को भी बुलाएं, लोग भी अच्छी शायरी, मेरी शायरी सुने, लोग अदीबों से मिलें, और ये जो रब्ता है ये बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।